धार्मिक भजन और हनुमान चालीसा बजाने के लिए अलीगढ़ शहर के 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर लगवाने की तैयारी एबीवीपी नेताओं द्वारा की जा रही है। ये ऐलान एबीवीपी के पूर्व प्रदेश मंत्री बलदेव चौधरी ने किया है। आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर एबीवीपी के पूर्व पदाधिकारियों ने अपर नगर मजिस्ट्रेट राकेश कुमार पटेल को ज्ञापन सौंपा और उनसे अनुमति मांगी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता ने बताया कि हमने एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा है कि अलीगढ़ महानगर के 21 चौराहों पर हनुमान चालीसा और धार्मिक आयोजन के लिए लाउड स्पीकर लगाए जाएं, क्योंकि और जगह पर भी लाउड स्पीकर तेज आवाज में बजते हैं। नमाज और अजान से बच्चे परेशान होते हैं, इससे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और इसकी वजह से डिस्टर्ब रहते हैं। इसी वजह से आज ये अनुमति मांगी है। अगर प्रशासन अनुमति नहीं देता है तो उन लोगों को भी प्रशासन को बंद कराना होगा। पूर्व प्रदेश मंत्री एबीवीपी, आज हमने एडीएम सिटी को एक ज्ञापन के माध्यम से अलीगढ़ महानगर के 21 चौराहों पर हनुमान चालीसा एवं धार्मिक आयोजन के लिए लाउड स्पीकर की मांग रखी है, अनुमति मांगी है, क्योंकि अन्य जगह पे भी लाउड स्पीकर बड़ी तेज़ आवाज़ में बजते हैं, सुबह बच्चे परेशान होते हैं, नमाज पढ़ी जाती है, अजान पढ़ी जाती है, जिसके माध्यम से सभी बच्चे परेशान होकर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं, वो माइंडली डिस्टर्ब रहते हैं। इसके लिए हम लोगों ने आज अनुमति मांगी है। अगर प्रशासन अनुमति नहीं देता है तो उन लोगों को भी प्रशासन को बंद कराना होगा, क्योंकि जहां लाउड स्पीकर का प्रयोग हो रहा है, अन्यथा की स्थिति में अगले कदम के लिए तैयार रहेंगे। अगर प्रशासन अनुमति नहीं देता उसके बाद बैठेंगे, सब लोगों के साथ बैठेंगे, उसके बाद योजना रचना के माध्यम से लाउड स्पीकर लगाने का काम करेंगे। तो वहीं अपर जिला अधिकारी नगर राकेश कुमार पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में हम उच्चाधिकारियों से बातचीत करेंगे और शासन को भी अवगत कराएंगे, फिर जो भी समाधान होगा उस पर काम करेंगे। कुछ युवा हैं अलीगढ़ शहर के, उन लोगों ने एक ज्ञापन दिया है इस शहर के 21 चौराहों पर वो लाउड स्पीकर लगा करके और उस पर धार्मिक गीत और हनुमान चालीसा वगैरह बजाना चाहते हैं, उसके संबंध में एक ज्ञापन है। इसमें हम लोग उच्चाधिकारियों से बातचीत करेंगे और शासन को भी अवगत कराया जाएगा, फिर नियमानुसार जो भी इसमें समाधान होगा हम लोग कराएंगे। लाउड स्पीकर लगाने और उस पर धार्मिक गीत बजाने के लिए हनुमान चालीसा और अदर चीज़ें। कितने चौराहे बताए गए? 21 चौराहों का लिस्ट इन्होंने दिया है अभी के हमारे पास। अभी फिलहाल प्रारंभ अभी नहीं लगा सकते हैं, अभी तो पहले दिन संज्ञान में आया, इसकी प्रक्रिया होगी, कहाँ से परमिशन होना है, किस तरह से होना है, वो हम लोग अब बात कर लेंगे डीएम और एसएसपी साहब से, मैडम से, सब लोगों से, फिर जैसा होगा। इन्होंने तो ये कहा कि आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं, परमिशन नहीं लेना चाहते, लगा रहे हैं। फिर भी हम लोग तो अपने स्तर से, प्रशासन तो देखेगा उसको कि क्या करना है, तो हम लोग देख लेंगे इसको, फिर बता देंगे इन लोगों को भी। इससे पहले भी एबीवीपी नेताओं की कुछ तस्वीरें सामने आई थी जिसमें वे लाउड स्पीकर के लिए लोगों से चंदा मांगते नजर आए थे। फिलहाल प्रशासन के संज्ञान में ये मामला पहली बार आया है।